Now today we study scale in fish. आज हम लोग scale in fish के बारे में पढ़ेंगे और पहले भी एक तरह का scale हम लोग fish में पढ़ चुके हैं. तो देखते हैं कि fish में जो scale होता है वो कैसा होता है, कितने तरह का scale होता है, which are found in different fishes. Now we know that कि fish कहाँ पाया जाता है? पानी में पाया जाता है. और बच्चा पढ़ा भी होगा कि मछली जल की रानी है, है ना? तो फिश आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट. फिश जो है एक्वेटिक वर्टिब्रेट है और जो भी एक्वेटिक वर्टिब्रेट है उनमें फिश में स्केल प्रेजेंट होता है. स्केल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली बर्ड, सॉरी फिश. स्केल आर द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिश. एक्वेटिक वर्टिब्रेट है और ये पॉइक्लोथर्मिक होगा कि होमियोथर्मिक. पॉइक्लोथर्मिक वर्टिब्रेट है, ठीक है. एंड द स्किन इज डेरिवेटिव, सॉरी द स्केल इज डेरिवेटिव ऑफ स्किन. स्किन इंटेगुमेंट्स डेरिवेटिव में बता चुके हैं कि कौन सा लेयर का क्या बना होता है. नेल, हूफ, जो है हॉर्न, हेयर, नेल, स्केल, ये सब कुछ बताया हुआ है वहां किसका कौन सा मॉडिफिकेशन है. तो जो स्केल है दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन. मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन, स्किन ही मॉडिफाई करके स्केल बनाता है. फिर स्केल में मॉडिफिकेशन होता है तो जो है वो इसका कुछ कैरेक्टर रेप्टाइल्स में भी देखने को मिलता है. कहीं कहीं स्केल प्रेजेंट होता है, जैसे कि एक बार बताए थे कि हाइंड लिम में स्केल प्रेजेंट होगा, है ना. तो इस तरह से स्केल स्केल स्क्यूटीज प्रेजेंट होगा. तो इस तरह ये शो करता है कि इवोल्यूशन ऐसे हो रहा है. तो अब आते हैं स्केल इन फिश पे. फिश आर एक्वेटिक वर्टिब्रेट एंड स्केल इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली फिश, ठीक है. नाउ इट इज पॉइक्लोथर्मिक वर्टिब्रेट एंड इट इज डेरिवेटिव्स ऑफ इट मींस कि स्केल आर डेरिवेटिव ऑफ स्किन. व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केल? टू प्रोवाइड द प्रोटेक्शन टू द एनिमल्स. जैसे हम लोगों में स्किन का फंक्शन क्या होता है कि डायरेक्ट अगर हम लोग के बॉडी में स्किन ना हो तो कैसा होगा? इमेजिन करो कैसा होगा. कोई भी चीज़ें चोट लगेगी, अचानक बोन में लगेगी, है ना, अचानक फ्रैक्चर हो सकता है. लेकिन अगर जो स्किन है उसके अंदर मसल्स भी प्रेजेंट है तो इसके कारण क्या होता है कि बहुत प्रोटेक्शन मिलता है, ठीक है. कोई भी चीज़ें अचानक अंदर नहीं आ सकती. कील कील अगर घुसेगी तो अचानक तो बोन्स में नहीं चुभ जाएगी. इसमें जब तक इसमें फील होगा घुसेगा तब तक हमें फील हो जाएगा कि ये चीज़ हमारे अंदर जा रहा है तो हम उसे निकाल के हटा सकते हैं. तो इस तरह से जो स्केल है वो प्रोटेक्शन का काम करता है. उसी तरह यहाँ पे स्केल है, देयर मॉडिफिकेशन ऑफ स्किन व्हिच हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स. नाउ डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फिशेस. नाउ फाइव टाइप्स ऑफ स्केल्स आर, व्हिच वन इज, फर्स्ट इज रोम्बॉइड टाइप, रोम्बॉइड स्केल, ganoid scale, cycloid scale, ctenoid scale और placoid scales. Now in earlier class we already studied these scales, placoid scales, and when I teach you the topic chondric thigh and ostrich thigh, वहाँ भी हमने बताया था कि जो chondric thighs fishes हैं उसमें कौन से scales present होंगे, जो ostrich thighs होंगे उसमें कौन से जो है scales present होंगे. तो ostrich thighs रोहू कतला ये सब आता है, अनावास कवई, जो भी फ्रेश वाटर फिशेज जो भी एडेबल फिश है वो ostrich thighs में आता है, ठीक है, जिसको बोनी फिश कहते हैं. तो उसमें जो है साइक्लॉइड या टीनोइड टाइप स्केल्स प्रेजेंट होता है, जबकि कॉन्ड्रिक थाइस में कैसा स्केल प्रेजेंट होता है, प्लेकॉइड टाइप स्केल प्रेजेंट होता है. ये पहले ही बता चुके हैं, आज भी फिर एक लाइन से बता रहे हैं कि कैसा किसका स्केल होता है एंड हाउ द स्केल आर इवॉल्व फ्रॉम वन क्लास टू अनदर, मतलब वन और पीसेस टू अनदर पीसेस. नाउ दिस आर द स्केल्स, टाइप्स ऑफ स्केल व्हिच आर प्रेजेंट इन फिश. फर्स्ट आर रोम्बॉइड टाइप स्केल, second are ganoid type scales, third are cycloid type scale, and fourth are ctenoid type scale, and fifth are placoid type scale. Firstly we know the rhomboid type scale. Rhomboid type scale are primitive type scale. It means ki earlier firstly the scale formed are rhomboid type scale. सबसे पहले जो scale बना वो कैसा scale बना?
rhomboid type scale bana. Primitive scale hai ise primitive scale kahenge. Primitive scale hai ye. And it is found in Latimeria. Latimeria mein ye paya jayega. Rhomboid scale primitive scale hai. Latimeria mein paya jayega. And their structure are rectangular in shape. And having line of growth are present. This line of growth shows the age of fish. ठीक है, जो ये लैटिमेरिया में जो rhomboid scales होंगे, इसका structure rectangular होगा और rectangular में जो structure होगा उसमें age of line बना होगा. And this age of line represents, जो ये age of line होगा, इससे हम ये देख सकते हैं कि जो fish है उसका age कितना हुआ है. ठीक है, तो चलो diagram बनाते हैं placoid scales कैसा होता है. अब तुम लोग जो भी फिश लेके आओगे उसमें देखोगे, दीज आर द रोंगॉइड टाइप स्केल्स, दीज आर द स्केल्स एंड हैविंग दीज आर द लाइन ऑफ growth ये सारे rectangular होंगे. ठीक है, सभी rectangular होंगे, बिल्कुल जैसे ऊपर में है वैसे ही rectangular होंगे. These are the rhomboid type scales. Rhomboid type scales, ठीक है? And having these are the lines of growth. It means कि जो हम fish के age, जैसे कि plants में age कैसे नापते हैं, उसका जो नीचे एक गोल करके जो ring like structure बनता है, उससे उसका age नापते हैं. वैसे ही fish में जो age नापते हैं कि fish कितने साल का है, वो scales line of growth से नापते हैं. So इसमें मान लेते एक, दो, तीन, चार, पांच है, तो यहाँ it means कि ये पांच साल का fish है. ठीक है, इस तरह से ये line of ग्रोथ जो है नापते हैं. तो ये हो गया रोम्बॉइड टाइप स्केल विच आर प्रिमिटिव स्केल एंड फाउंड इन लैटिमेरिया एंड देयर स्ट्रक्चर आर, इट मींस कि शेप आर रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप का है जिसमें लाइन ऑफ ग्रोथ आर प्रेजेंट इन ऑल स्केल्स. लाइन ऑफ ग्रोथ प्रेजेंट है जिससे हम एज का पता लगा सकते हैं. अनदर स्केल आर गाइनोइड टाइप स्केल आर गाइनोइड टाइप स्केल्स and these ganoid type scales are also primitive scales and it is found in crossopterygii. yaad karo crossopterygii kahin padha hai, kahin suna hai crossopterygii, kahan suna hai, kahan suna hai? ye amphibia ka forefather hai. yaad aaya, amphibia padhaye the, uska uncle tha dipnoi aur forefather tha kaun, crossopterygii. तो गाइनोइड टाइप स्केल्स जो प्रेजेंट होंगे वो क्रोसोप्टेराइजी ऑर्डर के फिश में प्रेजेंट होंगे. ये भी प्रिमिटिव टाइप स्केल्स हैं एंड देयर स्ट्रक्चर इज आल्सो रेक्टेंगुलर बट एट प्रॉक्सिमल एंड स्पाइंस आर प्रेजेंट व्हिच आर एम्बेडेड इन द स्कीन्स एंड दिस प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द एनिमीज. यहां पे ये भी इसका भी जो स्ट्रक्चर होगा ये रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होगा इस तरह से, और यहाँ पे प्रॉक्सिमल एंड पे इस तरीके से यहाँ पे स्पाइन लगा होगा. दीज आर स्पाइन लगा होगा. इस तरह के स्केल को गाइनोइड स्केल कहते हैं. क्या कहते हैं? गाइनोइड स्केल कहते हैं. ठीक है, तो नाउ दीज आर द गाइनोइड टाइप स्केल्स. रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर होगा जिसमें प्रॉक्सिमल एंड पे क्या लगा होगा? स्पाइन लगा होगा. और ये किस में पाया जाएगा? क्रोसोप्टेराइजी ऑर्डर के फिश में पाया जाएगा. नाउ कम्स इन अनदर स्केल दैट इज साइक्लोइड टाइप स्केल. साइक्लोइड टाइप स्केल्स आर फाउंड इन कार्प फिशेस. कार्प फिशेस में ये पाया जाएगा, जो कार्प फिशेस है उसमें पाया जाएगा. और इस तरह का जो गाइनोइड टाइप सॉरी साइक्लोइड टाइप जो स्केल्स होगा दे आर सर्कुलर इन स्ट्रक्चर. ये सर्कुलर स्ट्रक्चर में होगा. ठीक है, एट विच देयर इनर पार्ट इज थिकर एंड
the end part is thinner. मतलब इसका जो अंदर वाला portion होगा वो thicker होगा, यानी मोटा होगा, और जो outside वाला होगा वो कैसा होगा? Thinner होगा, पतला होगा. अब दिखाते हैं diagram में कि कैसा होता है ये. These are the structure of cycloid type feces. ये हो गया cycloid type feces. Cycloid type feces. These are the inner part. ये इसका inner part हो गया. बातचीत नहीं, इसका inner part हो गया. ये कैसा होगा? Thicker होगा. और ये जो outer part हो गया, ये कैसा होगा? Thinner होगा. Thinner होगा. These are the structure of cycloid type feces. And these feces are found in rohu katlas. रोहू कतला तो खाया होगा ना. हाँ, तो अब लेके आओगे तो देखना उसमें कैसा होता है, है ना? रोहू और कतला, ठीक है. नेक्स्ट वी कम्स द टीनोइड टाइप स्केल्स एंड वी नो द ऑस्ट्रिकटाइज. इन ऑस्ट्रिकटाइज फिशेस चैक्लोड एंड टीनोइड टाइप स्केल्स. यहाँ वेरिएंट फिशेस, सो वेरिएंट स्केल्स आर प्रेजेंट इन वेरिएंट फिशेस. टीनोइड टाइप स्केल्स आर लाइक अ सेम एज this cycloid type scales, but there are some differences. That is, the differences are at inner side of this cycloid type structure. Iske spines are present, which is called ctenoid. मतलब structure बिल्कुल as it is similar होंगे, तो थोड़ा सा different होगा. इसमें spine present होगा कहाँ पे? At जो है नीचे, इसके below. ठीक है, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा कैसा होता है. हम अभी टीनोइड टाइप स्केल्स बना रहे हैं. तो टीनोइड टाइप स्केल्स इस तरीके का होगा. दीज आर द स्पाइंस हियर, दीज आर द स्पाइंस. ये हो गया स्पाइंस. इस स्पाइन को क्या बोलेंगे? टीनोइड. क्या बोलेंगे? टीनोइड. हियर दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट बट सिमिलर इन स्ट्रक्चर. देखने में सिमिलर लग रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे क्या लगा हुआ है? टीनोइड लगा हुआ है, स्पाइन लगा हुआ है. ठीक है, ये हो गया टीनोइड टाइप स्केल. एंड दिस टाइप ऑफ स्केल्स आर फाउंड इन एनाबस. एनाबस मीनिंग बताओ, मतलब कवन ने कवई. एनाबस कवई, जो कवई फिश होंगे उसमें इस तरह का स्केल्स प्रेजेंट होगा. दैट इज टीनोइड टाइप स्केल्स. एंड नाउ प्लेकोइड टाइप स्केल्स, पहले भी बहुत डिटेल में बता चुके हैं. एक क्लास पूरा प्लेकोइड स्केल्स पे ही दिए थे, है ना? इंपॉर्टेंट है. या तो देखो क्वेश्चंस जो आएंगे ना इसमें शॉर्ट नोट्स करके, या तो स्केल इन फिश करके आएगा पूरा का पूरा, ठीक है, जो हमने बताया वो पूरा का पूरा लिख देना, या फिर आएगा प्लेकोइड स्केल करके. ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, या तो स्केल इन फिश या फिर प्लेकोइड स्केल. नेक्स्ट वी कम्स इन प्लेकोइड स्केल्स. Placoid scales are in base rectangular structure and triangular structure and attached from rectangular structure. याद आ रहा है कुछ placoid scales? नीचे जो है इस तरह से rectangular structure बना ही देते हैं. क्या भरोसा तुम्हें होता है? कोई भरोसा नहीं. इस तरह का rhomboidal structure था. यहाँ पे क्या था? Opening of bulb. कुछ पता नहीं. Opening of पॉल्स. हेयर सेपरेट फाइबर्स आर कनेक्टेड हुज नंबर इज सिक्स. वेरी गुड. सेपरेट फाइबर, ठीक है, सेपरेट फाइबर आर प्रेजेंट हेयर. एंड फ्रॉम दिस रोम्बोइडल स्ट्रक्चर ट्राइडेंट लाइक स्ट्रक्चर आर कनेक्टेड. दीज आर द लेटरल स्पाइंस. लेटरल स्पाइन, दीज आर द मीडियन स्पाइन. And commonly these three are called triadient. Triadient structure. And these placoid scales are filled with connective tissue like that. Filled with connective tissue. And this outer layer is covered with dentine. इस तरह से ये डेंटाइन लेयर से कवर्ड रहेगा. इस तरह से रोम्बोइडल स्ट्रक्चर होगा जिसमें कि पाल्प कैविटी का ओपनिंग प्रेजेंट होगा, सेपरेट फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, उस नंबर आर सिक्स. ये अलग से एक क्लास भी पूरा पढ़ा चुके हैं. सिक्स होंगे और इससे ये ट्राइडेंट लाइक स्ट्रक्चर लगा होगा जिसमें ये तीन जो उभार है वो तीनों कॉमनली कहेंगे ट्राइडेंट.
बीच वाले को कहेंगे अलग अलग से देखें तो मीडियम स्पाइन और साइड वाले को कहेंगे लेटरल स्पाइन. दी प्लेकॉइड स्केल्स आर होमोलोगस ऑफ टीथ ऑफ ह्यूमंस. बता चुके हैं कि ये टीथ क्या ह्यूमन के टीथ का होमोलोगस है. अब इतना सारा कुछ हमने पढ़ा स्केल इन फिश, टाइप ऑफ स्केल इन फिश, फाइव टाइप ऑफ स्केल इन फिश एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फिश. ठीक है, नाउ द फंक्शन ऑफ स्केल इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्केल इज, क्या क्या फंक्शन है बता भी चुके हैं. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू फ्रॉम एनिमी टू द एनिमल्स. यानी जो एनिमल्स है जिसमें ये स्केल प्रेजेंट है, ये स्केल का फंक्शन ये है कि ये जो भी उसके आसपास इनिमी होंगे यानी दुश्मन होंगे उससे इसको बचाए रखेगा. अगर कोई इसको खाने आता है तो ये उसको अगर खाएगा तो ये उसको गड़ेगा माउथ में, तो जिससे क्या होगा कि बच सकता है ना. तो इस तरह से ये स्केल्स जो एनिमल्स है, जो फिशेस है, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. ठीक है, अब वो अलग बात है कि जबरदस्ती कोई खा लेगा तो वो अलग बात है, उसको हटा के स्केल खा लेगा तो वो अलग बात है. चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस अबाउट अनदर टॉपिक.